अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं मज़ेदार से फ्राइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं और उनको मैंने अब फ्राइज की शक्ल में काट लिया है। और इस पर हम अब और इनको अच्छी तरह से मैंने धो के ड्राई कर लिया था, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा मैदा और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा डाला है, 2 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज बनाएंगे हम आज। आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ खाने को, आज मेरा चीट डे भी था, खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मुझे मेरी जो भूख लगी हुई है वो भी कम हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्राइज बनाऊँ, आज मेरा चीट डे है तो मैं इसे प्लेट भर कर खाऊँगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। सारे आलू जो हैं उनको मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है और चाट मसाला वो अच्छी तरह से लग चुका है। अब मैं देखती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, तो फिर हम फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करें। ऑयल जो है गर्म हो चुका है, हमने फ्राइज़ जो हैं वो सारे एक साथ नहीं डालने, हमने इनको 1 बाय 1 करके डालना है। अगर एक साथ डालेंगे तो अच्छे से वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, हमने कम डालने हैं। और आलूओं को मैंने थोड़ा सा नमक भी लगाया था, तो इसलिए आपने जल्दी से इसे फ्राई कर लेना है, क्योंकि फिर आलू को पानी लगाने से वो नमक लगाने से फिर पानी वो निकलना इनका स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे ये नरम पड़ जाते हैं। फ्राइज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। आप इनको मैदे के अलावा इनको राइस फ्लोर भी लगा सकते हैं, क्योंकि राइस फ्लोर जो होता है वो आलू के अंदर जितना भी पानी होता है ना वो सारा अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और इससे वो बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से फ्राइज बनते हैं। संडे मेरा चीट डे होता है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं कुछ चटपटा सा खाऊं, कुछ फ्राई की हुई चीज़ खाऊं। तो आज मैंने अपने लिए ये फ्राइज़ बनाए हैं और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप भी इसी मेरी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। जितने आप कम डालेंगे पैन में फ्राइज तो उतने वो अच्छे बनेंगे, अगर बहुत ज़्यादा डाल दें तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो मज़ेदार से नहीं बनते। इस तरह ये बहुत अच्छे बनते हैं। फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें हमने इन्हें डीप फ्राई किया है, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं रख दे। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमने इनको कॉर्नफ्लोर लगाया, मैदा लगाया, और इसमें आप लगा सकते हैं चावल का आटा भी, क्योंकि मैंने तो वो नहीं लगाया। उसके ना लगाने के बावजूद भी ये ना ऑयली नहीं है, ये मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा केचप और मायनीज से गार्निश करूँगी ताकि ये थोड़े से अच्छे लगें। थोड़ा सा हम इस पे केचप डालेंगे और मज़ेदार से हमारे फ्राइज जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और बनाएं, और फिर मुझे बताएं कि आपने फ्राइज मेरी रेसिपी से बनाए तो कैसे बने। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।